दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों डंकी मूवी के बाद शाहरुख खान ने अभी तक अपनी आने वाली फिल्म के बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। वहां पर शाहरुख खान के फैंस तरस रहे हैं कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म कौन सी होगी, कितनी बड़ी एक्शन मूवी ला रहे हैं शाहरुख खान 2024-25 के साल में। अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों अंदर से कि YRF ने, जिसने पठान मूवी शाहरुख खान के साथ बनाई थी और 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में कमा लिया था पठान ने, खबर ये आ रही है कि धूम 4 के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया है YRF ने। अब ये खबर पक्की है ये नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि शाहरुख खान धूम 4 कर सकते हैं। धूम 4 में चोर की भूमिका निभा सकते हैं शाहरुख खान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बहुत बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है, कम से कम 400 करोड़ रुपए में बनेगी अगर शाहरुख खान के साथ धूम 4 बनेगी। धूम 4 के लिए YRF बहुत सालों से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से एक्टर को धूम 4 में साइन करे। लेकिन अब एक अंदर की खबर आ रही है कि YRF ने धूम 4 के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया है। शाहरुख खान ने धूम 4 के लिए हामी भी भर दी है शायद, और धूम 4 में बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। आप लोग धूम 4 के लिए कितने एक्साइटेड है, कब इसकी अनाउंसमेंट होगी, अनाउंसमेंट के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट्स में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।